हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाईली न्यूट्रिशन फूड फॉर ऑल योर एक्वेरियम फिश, क्योंकि मैं भी उन्हीं को ही यूज़ करता हूँ। और मैं आपको नहीं कह रहा कि आप भी उसी चीज़ को यूज़ करें, बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे फिश को एक मंथ की डाइट कितनी ज़्यादा लगती है। और मैं आपको बेस्ट ब्रांडिंग भी, मतलब बेस्ट ब्रांड के साथ साथ आपको चीप प्राइस भी उसका बताने वाला हूँ फिश फूड का। सो जल्दी से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा ऑप्टिमम फिश फूड। तो मैं सभी अपने फिश के लिए ऑप्टिमम ही यूज़ करता हूँ। मैं अपने बैटा फिश के लिए भी ऑप्टिमम यूज़ करता हूँ, एंड हमारे सिकलेट्स एंड हमारे कोई फिश जो हमारा पार पोंड है, उन सभी फिश के लिए मैं ऑप्टिमम का ही यूज़ करता हूँ। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं हमारे सिकलेट फिश टैंक की। सो मैं इनके लिए डालता हूँ ये वाला जो हमारा आ गया ऑप्टिमम सिकलेट। सो बड़े पैलेट्स हैं ये, तो देख सकते हो आप। सो काफ़ी अच्छा है ये, एंड इससे आप मेरे सिकलेट्स के कलर वगैरह भी देख सकते हो और इनकी ग्रोथ वगैरह भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। 300 रुपीज़ का ये पीस है 500 ग्राम का। सो मैं यही लेकर आता हूँ वन मंथ के लिए इनके लिए। सो काफ़ी होता है क्योंकि मेरे पास कम सिकलेट्स हैं, एंड मैं आपको इनको डाल के भी दिखा दूँ थोड़ा सा। अब देख सकते हो जैसे मैंने लाइट बंद की है तो फीडिंग के लिए बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। जल्दी से इनको डालते हैं फीड, क्योंकि मैंने सुबह से इनको फीड नहीं डाला है। देख सकते हो आप, यहाँ पे इन्होंने कर दिया अच्छे से खाना शुरू। बड़े पैलेट्स तो काफ़ी ज़्यादा आराम से, हमारे ओस्कर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से खा लेते हैं। पैलेट्स के लिए इन पैलेट्स को नीचे लाना पड़ता है। सो मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा। ये देख सकते हो मैं ऐसे यूज़ करता हूँ मेथड। सो मैं ऐसे वेव बनाता हूँ जिसकी वजह से हमारे जो पैलेट्स हैं वो नीचे की तरफ जाते हैं और हमारे पैरेट फिश भी अच्छे से खा लेते हैं उनको। अब मैं आपको पैरेट फिश की फीडिंग भी दिखा दूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप। बाकी फिश ने भी यहाँ पर खाना शुरू कर दिया है। सो ऐसे ही मैं इनको खिलाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे ये बड़े वाले पैलेट्स नीचे नहीं जा पाते हैं तो हमारे छोटे फिश नहीं खा पाते हैं। सो इनकी तो फीडिंग हो गई है, एंड चलिए अब चलता हूँ नेक्स्ट एक्वेरियम की तरफ, नेक्स्ट टैंक की तरफ, एंड उसी के साथ आपको इनका फूड भी दिखाता चलता हूँ। सो अब आपको मैं टर्टल का फूड दिखा दूँ। तो ये रहा हमारे टर्टल का फूड, आपको मैं खोल के भी दिखा दूँ एक बार अच्छे से। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये रहा हमारे टर्टल्स का फूड। आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल वाले पैलेट्स हैं, और ये 300 रुपीज़ की इतनी छोटी सी बकेट है, और ये रहा हमारा 350 रुपीज़ का इतना सा। सो देख सकते हो आप इनको कंपेयर करके कितना ज़्यादा ये छोटा है 350 रुपीज़ का, एंड ये और फ़ायदे बल्कि ज़्यादा इसके अच्छे हैं। एंड इसके जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इंग्रेडिएंट्स वगैरह, सो काफ़ी अच्छे से इसके ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे इस फूड से। सो ये वैसे भी हमारे टोटोइस के लिए है, टर्टल्स के लिए नहीं है। टर्टल के लिए आ चुका है ये, अब ये तो काफ़ी टाइम चलेगा। एंड अब आपको मैं दिखा दूँ पोंड फिश के लिए मैं कौन सा वाला फूड यूज़ करता हूँ। सॉरी, मैं बीच में अपने मोली फिश टैंक को भूल चुका था। सो मैं इनकी भी फीडिंग आपको दिखा दूँ, देख सकते हो ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। सो आपको एक चीज़ मैं इसमें बता दूँ कि मैं इसमें करता हूँ थोड़े बड़े वाले पैलेट्स यूज़, इनको क्रश करके डालता हूँ मैं, क्योंकि अब जो है हमारे मोलीस बर्थ करने वाले हैं। सो इन्हें हाईली न्यूट्रिशन फूड चाहिए, जो कि ये है हमारा बड़ा वाला सिकलेट फिश का। सो मैं इनको अभी तक यही डाल रहा हूँ, और मैं इनके लिए भी काफ़ी जल्दी पोंड बनाने वाला हूँ बाहर। सो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मैं दिखाने वाला हूँ हमारा मोली फिश पोंड। आपने कम ही देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है पोंड वो, बट हमारे मोली फिश के लिए काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और वहाँ पर ब्रीडिंग करते रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेबीज इनके आने वाले हैं। सो मैं इनके लिए डालता हूँ ये वाले, क्योंकि अभी बर्थ करने वाले हैं हमारे मोली फिश। आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा लोडेड हो चुके हैं हमारे मोली फिश, देख सकते हो आप। सो इनके लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, और हमारे बैटा फिश के लिए मैं अलग फूड यूज़ करता हूँ, तो वो भी आपको मैं दिखा दूँ। जो ऑप्टिमम के माइक्रो पैलेट्स होते हैं आपने देखे ही होंगे, ये देख सकते हो आप ब्लैक कलर में। सो जल्दी से इनको भी फीड डाल देता हूँ मैं। टर्टल्स को मैं डाल चुका था बट इनको नहीं डाला था, तो इनको डाल दूँ एक बार। सो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे हमारे मोली फिश ने अच्छे से खाना शुरू कर दिया है सभी ने, एंड हमारा बैटा फिश वेट कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इसको जल्दी से डालता हूँ मैं इसके वाले पैलेट्स, क्योंकि ये इसी के ही वाले पैलेट्स को खाता है। सो जल्दी से डालता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देख सकते हो आप इनकी फीडिंग बिल्कुल नज़दीक से, तो देख सकते हो बैटा फिश अपने वाले ही पैलेट्स खा रहा है, दूसरे वाले पैलेट्स को ये टच भी नहीं करता है। इसको अपने फूड की पहचान हो चुकी है कि मुझे कौन सा वाला खाना है और कौन सा वाला नहीं। तो देख सकते हो इसका कलर वगैरह भी कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा होगा नज़दीक से, देख सकते हो। काफ़ी अच्छे से फीड लेते हैं हमारे फिश, और ये तो काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं मोली फिश। तो ये देख सकते हो काफ़ी जल्दी ये भी बेबीज को बर्थ करने वाले हैं, तो काफ़ी जल्दी मैं इनके लिए पोंड भी बनाने वाला हूँ। एंड अब चलते हैं हमारे पोंड की तरफ, और वहाँ का भी मैं आपको, वैसे मैंने पोंड को ढक के रखा हुआ है, तो मैं आपको वहीं यहीं से ही दिखा दूँ कि मैं अपने फिश पोंड के लिए कौन से वाले पैलेट्स यूज़ करता हूँ।
सो ये रहा हमारा फिश पॉन्ड के लिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा फिश है हमारे, तो मैं 1 kg वाला पैकेट लेकर आता हूँ और ये 1 month के लिए ही होता है, सिर्फ इतनी जल्दी खत्म हो जाता है ये। सो आपको मैं निकाल के दिखा दूंगा कितने छोटे वाले पैलेट्स हैं इनके। सो ये देख सकते हो आप, ये रहे वो पैलेट्स, इतने ज्यादा छोटे छोटे पैलेट्स हैं। सो बड़े फिश हैं, फिर भी मैं उनको छोटे वाले देता हूँ, क्योंकि वहां पे छोटे फिश भी हैं हमारे। सो मुझे यही वाले फीड करवाने पड़ते हैं, मजबूरी अभी के लिए। जब हमारे सभी बड़े वाले फिश रह जाएंगे वहां पे, तो मैं उनको भी बड़े वाले पैलेट्स दिया करूंगा। सो यही थी हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो ये देख सकते हो इनकी आइज कितनी ज़्यादा शाइन करती हैं, जब इनके आइज में लाइट पड़ रही है, देख सकते हो आप, बिल्कुल ऑरेंज कलर की लाइट आपको दिखाई दे रही होगी आइज से निकलती हुई। सो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये तो, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।